खबर आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में इनकम टैक्स के छापे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत के करीबी के यहाँ रेड जारी है। लगातार ये संकेत विश्वास हो रहा है। दूसरे दिन भी कई ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। दूसरे दिन भी कई ठिकानों पर अजमेरा नामक व्यक्ति पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। तीनों गुट के कारोबारियों से जुड़ा है अजमेरा का कारोबार, जिस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। सीएम गहलोत के समक्ष पर आयकर की रेड, दूसरे दिन भी कई ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। अजमेरा नामक व्यक्ति पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। तीनों ग्रुप के करीबियों से जुड़ा हुआ है अजमेरा कारोबार। आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स का एक्शन, गहलोत के करीबियों पर राजस्थान में आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीएम गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का छापा लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अजमेरा नाम के व्यक्ति पर आयकर विभाग के छापेमारी की खबर है। तीनों ग्रुप के कारोबारियों से अजमेरा का कारोबार जुड़ा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में आयकर विभाग के छापे से जुड़ी हुई है अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, सीएम अशोक गहलोत की परिधियों पर रेड डाली जा रही है इनकम टैक्स की। ध्वज आ रहे हैं वर्षा संवाददाता चुके हैं ध्वज, दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल सुबह से जो इनकम टैक्स की रेड जो तीन से चार ठिकानों पर जारी थी, आज एक और ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड है वो लगातार जो है जारी है। इसके मिस्ते से जो अजमेरा ग्रुप है वहां पर पूरी तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल जो कार्रवाई चल रही थी, जो कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, उसके साथ साथ में जो रतन कांत जी जो कि फेयरमोंट होटल से उनका कारोबार जुड़ा हुआ है, तो उन पर जो ये छापे की कार्रवाई थी वो भी अभी लगातार जारी है। उसके साथ साथ में ये माना जा रहा है कि कई बड़ी संख्या में जो आयकर अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में जो आयकर चोरी पकड़ी गई है। उसके साथ साथ में कई बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और उसके साथ साथ में लॉकर भी जो है सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि ये जो कार्रवाई है देर रात तक चलने की संभावना है, क्योंकि ये जो तीनों चारों कारोबारी हैं काफी बड़े कारोबार हैं। और उसके साथ साथ में जो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी भी हैं, तो इसको लेकर लगातार जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं दिल्ली स्थित अपने अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ये कार्रवाई हुई है, जब परसों रात को जब इसकी पटकथा लिखी गई थी, तो ये सारी की सारी जो टीमें हैं जयपुर आई थी, जयपुर के जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं उनको किसी प्रकार की जानकारी इस कार्रवाई के बारे में नहीं थी। तो बड़ी कार्रवाई है लगातार जारी है और लगातार जो छापे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसकी में स्थित जो अजमेरा ग्रुप है वहां पर अभी फिलहाल जो है आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो अभी बैठे, कार्रवाई लगातार जारी है। और उसके साथ साथ में जो ये अधिकारी हैं यहाँ पर, इनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार से मीडिया से बातचीत नहीं की जाए, चूंकि ये सियासी कार्रवाई मानी जा रही है, रिवेंज पॉलिटिक्स मानी जा रही है, तो इसको लेकर किसी प्रकार के यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे किसी प्रकार के संपर्क नहीं रख रहे हैं। ठीक है ध्वज, आप मेरे साथ बने रहिए। संवाददाता दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट है? लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की कार्रवाई।
दिनेश सवाल वापस कर रहा हूँ। दिनेश आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिनेश, इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर हम अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग के छापे हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आयकर विभाग की कल से कार्रवाई जारी है। कल अशोक गहलोत के दो समर्थक जो नेता है धर्मेंद्र राठौर, राजीव अरोड़ा, उनके यहाँ पर रेड मारी। टोटल 40 जगह जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कई जगह उनके जो ठिकाने हैं उन पर जो है सर्चिंग की कार्रवाई की। और आज भी जो राजीव अरोड़ा के पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है जयपुर शहर में, उनके यहाँ रेड डाली गई है। तो लगातार इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है रेड की, वो बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस सियासी विचार में ये कार्रवाइयां आखिर क्या करती है। साफ साफ इशारा केंद्र सरकार पर उन्होंने लगाए, उनके इशारे पर ये इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है और ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। विधायकों में डर पैदा करने के लिए कार्रवाई जारी है, ये आरोप है कांग्रेस नेताओं के। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर आप जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन भी रहे थे, जब सबसे पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अभी ईडी और सीबीआई आना बाकी है, उसके बाद शाम तक आते आते ईडी की कार्रवाई भी हमने देख ली, यानी साफ तौर पर आरोप यहाँ केंद्र के ऊपर लग रहे हैं। बिल्कुल, ईडी कार्रवाई कर चुकी है, कल इनकम टैक्स उतर गई शाम को, जो एक उनके करीबी है सीएम के, उनके भी ईडी ने अपनी छापामार कार्रवाई कर दी। और जैसा कि सुरजेवाला कह रहा है कि अब अन्य जांच एजेंसी जैसे सीबीआई है उनका भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कह सकते हैं किसी तरह का रिश्ता कनेक्शन नहीं है, बहुत साधारण उनकी शख्सियत है, साधारण वो राजनेता है, न कोई उनका ऐसा बिजनेस है, इसलिए उनको करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा हम पहले से आरोप लगाते जा रहे हैं कि इनका मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन अब ये कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन उससे किसी तरह की घबराहट हमारे विधायकों में नहीं है, चाहे किसी तरह के ओछे अस्तंभ भाजपा जो सरकार है वो चाहे अपना ले। ठीक है दिनेश, आप बने रहिए, ध्वज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ध्वज, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कितने ठिकानों पर, कितनी जगहों पर छापा मारा गया है जयपुर में? ध्वज आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लगता ध्वज के साथ, ध्वज आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लगता संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। दिनेश आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं आपके पास लौटूंगा।